ऑलराइट, सो अभी हम अमृतसर की मेन मार्केट वाली रोड में आ चुके हैं एंड ये है असली अमृतसर पूरा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो पूरा हेक्टिक है। इसी के आगे एक आएगा क्रिस्टल चौक, जहाँ पे जाके एवन कुल्फा एंड क्रिस्टल जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, तो वहाँ पे चलते हैं। बाकी यहाँ पे ट्रैफिक लाइक मैडनेस है, वो जैसे कि आप देख सकते हो पूरा हमारा क्रिस्टल रेस्टोरेंट, विच इज़ अ चाइनीज रेस्टोरेंट। ऑलराइट, तो अभी हम क्रिस्टल रेस्टोरेंट के बाहर आ चुके हैं एंड इसके दो मोड्स ऑफ डाइनिंग है। अगर आपको अंदर बैठ के खाना है तो इनके पास फाइन डाइनिंग भी है, आप आराम से अंदर बैठ के चिल मार के खा सकते हो। बट अगर आपको एक स्ट्रीट फूड टाइप चाइनीज को इन्जॉय करना है तो आप बाहर से ऑर्डर करके अपने खाने को पिकअप करके बाहर खड़े होकर भी खा सकते हो। तो ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ये करते भी हैं और ज़्यादा करना भी चाहिए, क्योंकि जिसके पास कम टाइम है वो तो बाहर होकर खड़े होकर खाना चाहता है और जिसके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है दे कैन सिट इनसाइड और आराम से दे कैन एंजॉय देयर फूड। बाकी आज यू कैन सी इट इज़ सो फेमस कि इस रेस्टोरेंट के ऊपर एक पूरे चौक का नाम रख दिया गया है, क्रिस्टल चौक। सो लेट्स गो इनसाइड एंड सी इफ इट इज़ वर्थ द हाइप और नॉट। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये वो टेक अवे वाले काउंटर है जो मैं आपको बता रहा था। सो दिस इज द एंट्रेंस एंड लेट्स गो इनसाइड। ऑलराइट, सो ये यहाँ का मेन्यू है, सो दैट यू कैन हैव अ लुक। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ के प्राइसेस को एक बार देख सकते हो। दीज आर ऑल द मेन्यू आइटम्स, यू कैन हैव अ लुक। यहाँ पे इंडियन फूड भी मिलता है, चाइनीज भी मिलता है, बट द फेमस इज चाइनीज, सो आई रिकमेंड यू कि आप उसे ऑर्डर करो। लुक एट द वैरायटी गाइस, इतने स्नैक्स हैं, इतने तंदूरी आइटम्स हैं, बिरयानी ऑल्सो, फ्रैक ब्रेड। एंड ये आगे इनका मेन पार्ट चाइनीज नूडल्स, राइस, चॉपसी एंड फर्स्ट वी ऑर्डर्ड सम सूप्स। मैंने तो अपना मोंजो सूप किया एंड मॉम एंड डैड ने हॉट एंड सॉस सूप किया है। बाकी इसमें बहुत सारी वेराइटीज है, यू कैन हैव अ लुक। एंड यहाँ पे डेजर्ट्स भी हैं, आइसक्रीम्स भी हैं। ऑसम। ऑलराइट, सो माय चिकन मोंजो सूप इज हियर और मुझे अभी पता चला कि मुझे फ्राइड नूडल्स डालने की आदत कहाँ से पड़ी। तो उन्होंने सूप लाने से पहले फ्राइड नूडल्स रख दिए थे और मुझे ये खाने की आदत यहीं से पड़ी, इसलिए मैं सोचता हूँ कि हमेशा मैं हर एक जगह पर जाके यही क्यों मंगवाता हूँ। सो लेट्स ट्राई इट एंड लेट्स सी कि अच्छा या नहीं। सबसे पहले अपने नूडल्स को डाल लेते हैं एंड देन लेट्स ट्राई द सूप। सूप तो बहुत थिक और अच्छा लग रहा है। वेरी हॉट, सुपर फ्रेश एंड अमेजिंग टेस्ट। मोंचो की डेफिनेशन ये है। Awesome. Alright, so अभी हमारा चिकन लॉलीपॉप यहाँ पे आ चुका है, which is looking very tempting. So it's time to try this. Let's have a bite. It's very delicious and tasty. I give this a 10 on 10. Alright, so our main course is here. ये रहा हमारा चिकन चाउमिन। अब मुझे चाउमिन को प्लेट करना आता नहीं तो मैंने अपने पापा को पहले ही बोल दिया था। एंड ये रहा हमारा चिली चिकन, इसको तो मैं प्लेट कर ही सकता हूँ, ईजी होता है। हल्का से ऊपर ड्रिप करते हैं। लेट्स हैव अ बाइट। देखने में तो बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग एंड डिलीशियस लग रहा है। लेट्स ट्राई। एकदम ऑथेंटिक चाइनीज नहीं है बट इस चाइनीज में एक पंजाबी टच है, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट एंड समथिंग वेरी गुड। एक बार चिली चिकन को ट्राई करते हैं। दिस वन इज प्रीटी गुड, स्पाइसी भी है। आई थिंक इसमें कुछ ब्लैक पेपर है जो कलर में हिट कर रही है। सुपर्ब, चाइनीज इज ऑल्सो वेरी गुड। So this is Tawa Chicken Frontier, which is the specialty of this restaurant. And starts with tandoori rotis, fresh from tandoor. But अभी मैं इसको try नहीं करूँगा because I'm extremely full. And जब मेरी mama try करेंगी, then I'll tell you what she said about this. Alright, so अभी हम Crystal का awesome food खा के बाहर आ चुके हैं. And overall, I would give this place a 9.5 out of 10. 0.5 में इसलिए डिडक्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसकी लोकेशन हल्की सी हेक्टिक है। आपको यहाँ पे बाई चांस ही पार्किंग मिलेगी
आज फिर भी थोड़ा सटल डे था इसलिए हमें बहुत दूर जाके पार्किंग मिली, बट नॉर्मल डेज पे जब यहाँ पे ज़्यादा भीड़ होगी तो पार्किंग मिलना मुश्किल होता है। बट इफ यू कम हियर आई रिकमेंड कि आप टैक्सी से आओ, बट द फूड इज ऑसम। So I told him I'm a flicker. Bill, I'm in the mood for a change up.